हेलो दोस्तों, क्या पेशा डी हम आप सबके साथ करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर आऊँ कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी, दोस्तों आप सभी जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन हो चुकी है दोस्तों हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड कंपनी, जो दो पहिया वाले बाइक है, टू व्हीलर बाइक है। ये कंपनी है जो दोस्तों हरिद्वार प्लांट में ये वैकेंसी निकाली है। तो आप लोग का जॉब लोकेशन हरिद्वार प्लांट में उत्तराखंड में आपका रहने वाला है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों आप लोगों के लिए। इसमें जो दोस्तों क्वालिफिकेशन रखा गया वो 10th प्लस ITI पास आउट कैंडिडेट केवल इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। आपका 10th के साथ ITI कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तभी आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। इसमें रहना खाना बस फ्री फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, जो भी फैसिलिटी है दोस्तों ऑल फैसिलिटी इसके अंदर आपको दिया जाएगा। और सैलरी इसमें बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है दोस्तों, 19,662 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। चाहे आप ITI NCVT से किए, SCVT से किए, आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कैंपस प्लस में जाइएगा तो आपको जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th का, ITI का, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है दोस्तों साथ में। आप अगर जेरोस्कोप लेके जाते हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है दोस्तों। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, एक महीने वहाँ पे काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट को आपके पास दे दिया जाता है, आपको फिर से दोबारा दे दिया जाता है। आप जब भी मांगेंगे वहाँ पे जाके या एक सप्ताह बाद भी अगर मांगेंगे तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें और क्या चाहिए नहीं चाहिए सारा कुछ मैं इसके ऑफिसर नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या चैनल में रखा गया, कब कैंपस प्लस लगाई जा रही है, कहाँ लगाई जा रही है दोस्तों, मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस उनकी जानकारी देती है या ITI संबंधी जितनी भी जानकारी है दोस्तों सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। तो चलो सभी चलते हैं हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड के ऑफिसियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड का ऑफिसियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं दोस्तों, जो हरिद्वार प्लांट में भर्ती निकाली है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़ी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं हीरो मोटर क्रॉप लिमिटेड पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पे अब हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के डिस्क्रिप्शन दिया गया, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोडक्शन बनाती है, कब से स्टार्ट हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग नीचे चल के बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10th प्लस ITI पास आउट कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। जो आपका 10th के साथ ITI कंप्लीट होना चाहिए, आपके साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। चाहे आप NCVT से किए, SCVT से किए, आप भाग ले सकते हैं। चाहे आप सरकारी ITI से किए, प्राइवेट ITI से किए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। जो ट्रेड दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। जिनका जिनका ट्रेड है वही केवल भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे को जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अदर वाले बच्चे को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पासिंग ईयर दिया गया है 2018-21 तक जो पास किए हैं, जो 18, 19, 20 और 21 में पास किए हैं वही बच्चे केवल इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, अदर वाले बच्चे नहीं ले सकते हैं। आप अगर 2017 में पास किए हैं या 2022 में पास किए हैं तो आपको इस कैंपस प्लस में नहीं लिया जाएगा। आप अगर जाते भी हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, फिर आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को जाना नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर जो दिया गया है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। उसके बाद नंबर भी दिया गया है, तो नंबर पे आप कॉल करके एक बार पूछ लीजिएगा कि पुरुष वाले भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 18-26 दिया गया है, जिनका एज 18-26 वर्ष तक है वो इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं। तो एज लिमिट दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया आप लोगों के लिए। जो आपका ड्यूरेशन टाइम रहने वाला है 1 ईयर के लिए आपको लिया जाएगा, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। आपको इसमें दोस्तों 1 साल रखा जाता है, 1 साल के बाद वहाँ पे वापस घर भेज दिया जाता है। आप अगर अच्छे से वहाँ पे काम वाम करते हैं, सुपरवाइजर से अच्छे से मेल जोल बनाए रखते हैं, तो फिर से आपको दोबारा बुलाया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, आप जब वहाँ काम कीजिएगा तो अच्छे से काम कीजिएगा, तभी आपको फिर से दोबारा बुलाया जाएगा। और दोस्तों इसमें सैलरी बहुत ही अच्छा आपको दिया जा रहा है, इसमें जो 19,662 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो आपका सिटी से काट कूट के आपको 13,666 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको दिया जा रहा है दोस्तों। जो आपका 19,662 रुपया उसी में से आपको TFSI कैंटीन वगैरह जो भी आता है दोस्तों, बेस्ट फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, सारा कुछ वो सब का आपको काट कूट के जो आपको हैंड में मिलेंगे वो 13,666 रुपया आपको पर महीना मिलेंगे। देख सकते हैं फैसिलिटी PFESI एंड मोर द अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड बाय कंपनी, कैंटीन, शूज, मेडिकल इंश्योरेंस, जो जो फैसिलिटी होता है दोस्तों ऑल फैसिलिटी इसके अंदर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है दोस्तों, वो अपडेट रिज्यूम आपको लेके जाना है। जो आपका प्रेजेंटली रिज्यूम है, आपका पुराना रिज्यूम है तो वो चलेगा नहीं, आप फिर से नया रिज्यूम बना लीजिए और लेके जाइए। आधार कार्ड, PAN कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट,
डिप्लोमा का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, फोटो चार कॉपी कलर वाला, ये सब आपको लेके जाना है दोस्तों। एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाएगा, उसके साथ फोटो कॉपी भी लेके जाएगा, क्योंकि हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड में ज्यादातर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट दिया गया है वो 15 मार्च को ही कैंपस प्लेसमेंट लगाई जा रही है 2022 को 9:30 बजे आप लोग को पहुंचना है दोस्तों। कहाँ जाना है देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कैंपस वेन्यू, गवर्नमेंट आईटीआई देहरादून, जो सहरापुरा रोड, निरंजनपुर डी धून उत्तराखंड में आपको ये कैंपस प्लस लगाई जा रही है। देहरादून है दोस्तों, डी धून मतलब होता है देहरादून, उत्तराखंड में ये कैंपस प्लस लगाई जा रही है, तो आप लोग को वहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि इस कैंपस में केवल उत्तराखंड के ही महिला भाग ले सकती है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया दोस्तों उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली सिर्फ गर्ल्स को ही लिया जाएगा दोस्तों, फिर भी आप एक बार फोन करके पूछ लीजिएगा, अगर इसमें मेल कैंडिडेट भाग ले सकते हैं तभी आप जाइएगा, नहीं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि बैनर पे भी वही लिखा हुआ है ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। तो जाए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, इस कैंपस में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।